Good morning to all. Dear student, how are you all? I hope so all are good and I am also fine here. Before the starting, dear students, I want to tell you something, that is back to studies. It means that reading, writing, learning and other activities. Okay, dear students, अब हमें वापस लॉन्ग हॉलीडेज के बाद से फिर से अपने स्टडी को कंटिन्यू रखना है. अब हम इसको आपको पहले समझा देते हैं कि बच्चों पहले आपको अब कंटिन्यू आपके सिलेबस से पढ़ाया जाएगा और लिखाया जाएगा. आप लगातार ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे जिससे आप सभी कार्यों लाइक दैट चैप्टर वीडियोस, नोट्स, एक्सरसाइजेस, सॉल्व पेपर समय समय से पाते रहिए और पढ़ते रहिए. ध्यान देंगे बच्चों, जो भी वर्क या राइटिंग वर्क आपको होमवर्क, क्लास वर्क या रीडिंग राइटिंग के लिए दिया जाएगा उसे आपको एक नोट्स बनाना है, जैसे आप स्कूल में नोट्स बनाते थे, और उस नोट्स को आप कंप्लीट नोट्स बनाएंगे और कंटिन्यू उसको पढ़ेंगे. और जो भी आपको पढ़ाया जाएगा आपके बुक्स और सिलेबस से पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप बुक्स और सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान देंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द एज ऑफ स्टोन, दैट इज़ योर्स चैप्टर सेकेंड इन SST. ओके डियर स्टूडेंट, नाउ हियर द एज ऑफ स्टोन लुक लाइक दैट. वॉट इज़ द एज ऑफ स्टोन, यह पत्थरों का काल कहा जाता है. जैसे बेटा यहाँ पर टू फ्रेंड्स हैं, वो आपस में टॉक कर रहे हैं. फर्स्ट फ्रेंड कहता है वॉट इज़ दिस मैन डूइंग. सेकेंड फ्रेंड कहता है ही इज़ अ ब्लैक स्मिथ, ही इज़ मेकिंग थिंग्स आउट ऑफ आयरन. कहता है कि यह एक ब्लैक स्मिथ है. ब्लैक स्मिथ क्या होता है? ब्लैक स्मिथ होता है लोहार, जो कि लोहों से ढेर सारी वस्तुएं बनाता है. ओके, नेक्स्ट कहता है उसका फ्रेंड द अदर डे आई सॉ सम स्टोन टूल्स इन द नेशनल म्यूजियम. कहता है मैंने तो एक दिन सारी जो टूल्स हैं उसको मैंने नेशनल म्यूजियम में देखा था. फ्रेंड रिप्लाई करता है यस, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ मेटल्स अर्ली मैन यूज स्टोन टूल्स. आपको फ्रेंड बताता है कि देखिए जो भी आप मेटल्स यूज़ कर रहे हैं इसकी जो खोज है वो अर्ली मैन ने इसको किया है. सभी स्टोन्स को उसने खोज किया है. किसने? अर्ली मैन में. आपने अर्ली मैन चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है ना, अर्ली मैन कौन है. अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, द एज ऑफ स्टोन्स और स्टोन्स एज कितने प्रकार के हैं. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एज, पैलियोथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्योलिथिक एज एंड चॉलोलिथिक एज. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द पिक्चर्स ऑफ अर्ली मैन पीरियड दैट दे आर प्रोवाइड देयर लाइफ डिपेंड अपॉन एनिमल्स हंटिंग, ओके, कटिंग मीट्स एंड बोन्स, कटिंग ट्रीज एंड क्लीनिंग फॉरेस्ट एंड अदर एक्टिविटीज. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. द एज वी हैव ऑलरेडी लर्न अर्ली मैन वॉज अ हंटर गैदर. डियर स्टूडेंट, वी नो दैट एज वी हैव ऑलरेडी लर्न, हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ चुका है कि अर्ली मैन जो हैं, जो अर्ली मैन हैं, उन्होंने एक शिकारी समूह बना के रखा था. हंटर गैदर मीन्स क्या होता है? शिकारी समूह. ही रोम्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाने की तलाश में घूमते थे. ओके, सर्च मीन्स क्या होता है? सर्च मीन्स क्या होता है? तलाश. और He hunted animals, gathered fruits, roots, seeds and nuts. वो जहाँ जहाँ घूमते थे उन्होंने जानवरों का शिकार किया. He hunted animals means जानवरों का शिकार करना. Gather fruits, फलों को इकट्ठा किया. Roots, जड़ों को इकट्ठा किया जो भी जंगल में मिलते थे. Seeds and nuts, बीजों और nuts को भी इकट्ठा किया अपने भोजन में शामिल करने के लिए. For all these activities, he used tools and weapon made of stone. He attached stone to handle of bones and wood. Okay, dear student, look like that. For all these activities, मतलब सभी activities में he used tools and weapons. सभी प्रकार के शस्त्र और हथियारों का इस्तेमाल किया. Made of stone. Made of stones means जो कि पत्थरों से बने हुए थे. ओके डियर स्टूडेंट्स,
मेड ऑफ स्टोन, जो कि पत्थरों से बने हुए थे, वो सभी प्रकार के टूल्स और वेपन्स का यूज किया. वेपन मीन्स होता है हथियार. ही अटैच स्टोन टू हैंडल ऑफ बोन्स एंड वुड. और उन्होंने क्या किया कि लकड़ी के हैंडल से पत्थर जोड़े और हड्डियों को भी जोड़ा है. हड्डियों में और लकड़ियों में पत्थर लगाकर उन्होंने क्या किया है, हथियार को बनाया है. मेड वेपन्स लाइक स्पीयर एरोज एंड डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स. उन्होंने अर्ली मैन ने जो भी वेपन्स बनाया लाइक दैट स्पीयर, बेटा स्पीयर मीन्स होता है, स्पीयर मीन्स भाला, एरो मीन्स तीर, जो भाले तीर को बनाया है वो किस लिए बनाया है, डिफेंड, डिफेंड मीन्स रक्षा होने करने के लिए, खुद की रक्षा के लिए, किससे, जानवरों से. अब हम इसको फिर से समझेंगे कि हमने पहले पढ़ा है कि हमारे पिछले चैप्टर में कि जो भी अर्ली मैन थे वो शिकारी समूह के थे. उन्होंने खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण किया, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे. उन्होंने जानवरों का शिकार किया और अपने जीवन के लिए फल, जड़, फ्रूट, बीज जो भी था उसको जंगलों से इकट्ठा किया और उन्होंने हड्डियों और लकड़ी के हैंडल से पत्थर जोड़कर क्या बनाए, वेपन्स बनाए, खुद के बचाव के लिए, किससे, वो भी एनिमल से, जो जंगली जानवर थे उनसे बचने के लिए उन्होंने हथियारों का उपयोग किया. और उस हथियार को किससे बनाया था, मेड ऑफ स्टोन. मेड ऑफ स्टोन मीन्स पत्थरों से बनाया था. अब हम द एज ऑफ स्टोन में यही पढ़ रहे हैं कि अर्ली मैन ने कैसे पत्थरों का इस्तेमाल किया. डियर स्टूडेंट्स, द अर्ली मैन यूज्ड स्टोन फॉर डिफरेंट थिंग्स. अर्ली मैन ने स्टोन्स को विभिन्न प्रकार से यूज़ किया है. लाइक डैट हंटिंग एनिमल्स, रिमूविंग द स्किन ऑफ एनिमल्स, कटिंग मीट्स एंड बोन्स, कटिंग ट्रीज एंड क्लीनिंग फॉरेस्ट. जानवरों के शिकार के लिए हंटिंग एनिमल मीन्स रिमूविंग द स्किन ऑफ एनिमल. जानवरों को वो लोग खाते भी थे, जिससे उसकी स्किन को हटाने के लिए भी इस्तेमाल किया टूल्स को, और ट्रीज को भी कट करने के लिए इस्तेमाल किया है. दिस पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड स्टोन एज. या पीरियड को हम एक स्टोन एज कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं. एज अर्ली मैन डिपेंड्स ऑन स्टोन प्राइमरली फॉर द सर्वाइवल ऑन द बेसिक ऑफ टाइप्स एंड क्वालिटी ऑफ टूल्स यूज्ड बाय अर्ली मैन. स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू फोर सब पीरियड. जो पाषाण काल है वह चार भागों में बांटा गया है, जैसे कि आपको पहले बताया गया है. पैलियोलिथिक एज पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक एज मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक एज नव पाषाण काल, एंड चालियोलिथिक एज ताम्र पाषाण काल, जिसे तांबा युग और कांस्य युग भी कहते हैं. बच्चों, अर्ली मैन द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजारों के प्रकार और उनके गुणवत्ता के आधार पर यह सभी चारों पीरियड को डिवाइड किया गया है. अब हम नेक्स्ट चैप्टर्स में, सॉरी, चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए सभी एज को हम लाइन वाइज पढ़ेंगे. आप अभी के लिए इसको रीड करेंगे, समझेंगे. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.